हेलो फ्रेंड्स, Realme 5 Pro के बाद अब Realme सितंबर महीने के एंड तक ही Realme अपने Realme XT को लॉन्च करेगा। इसी के साथ ही इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सेटअप और स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme XT के बारे में और जानेंगे इस फोन के डिज़ाइन के बारे में, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है और जानेंगे इस फोन के प्राइस क्या होने वाला है और लॉन्च डेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं Realme XT के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात किया जाए इस फोन की डिज़ाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 6.5 इंच के एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कि एक फुल व्यू सुपर एमोलेड पैनल के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की बैक पैनल की तो बैक पैनल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वाड रियर कैमरा का सेटअप। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है कैमरास की तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रियर साइड में आपको देखने को मिलेगा क्वाड रियर कैमरा का सेटअप जिसका मेन सेंसर आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको सैमसंग GW1 का सेंसर भी देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस भी देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट कैमरा में यहां पर हो सकता है आपको देखने को मिले 25 मेगापिक्सल का या फिर 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा। और आप बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर और ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल और फास्ट प्रोसेसर भी है और ये प्रोसेसर इससे पहले हमें Redmi K20 में देखने को मिल चुका है और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Android Pie का सपोर्ट जो कि रन करेगा ColorOS 6.0 के ऊपर। और ये भी हो सकता है कि जब ये फोन लॉन्च होगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये फोन Realme OS के ही साथ आए। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस फोन की 2 रैम वेरियंट देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी और 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी। इसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है इस फोन की बैटरी की तो बैटरी में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 4065mAh की एक बड़ी बैटरी जो कि वॉक फ्लास्ट चार्ज 3.0 के साथ आएगा जिसके थ्रू आप अपने फोन को बहुत ही क्विक चार्ज कर पाएंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.5mm का एक हेडफोन जैक और USB टाइप सी पोर्ट। सो फाइनली फ्रेंड्स, बात आती है इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट की तो फ्रेंड्स, इस फोन का जो 6GB 128GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस होने वाला है 19,000 के अंदर और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि Realme XT सितंबर महीने के लास्ट वीक में लॉन्च होगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या कुछ लीक्स निकल के आते हैं इस फोन के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 19,000 के अंदर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर और इसी के साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सेटअप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो एक काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी Realme XT की प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में कुछ जानकारी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस फोन के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।